किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्पेशल चाय सैफ्रन कार्डमम यानी केसर इलायची चाय सिखाने वाली हूँ। बड़े आसान तरीके से आप घर पर इसको कैसे बना सकते हैं, आइए बनाना सीखें। केसर इलायची चाय बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 2 कप चाय बना रहे हैं उसका मेजरमेंट बता रही हूँ मैं। 1.5 कप हमने दूध ले लिया, 1 कप पानी ले लिया, 8 से 10 पत्ते केसर के हमने जिसे आधे घंटे 1 टीस्पून पानी में भिगो के रख दिया, 2 इलायची ले ली है साबुत, 1.5 टीस्पून हमने चाय पत्ती ले ली है, 2 टीस्पून हमने शक्कर ले ली है और इलायची को कूटने के लिए 1 पात्र ले लिया है। सबसे पहले हम दूध गर्म कर लेते हैं। इस दूध को हम उबाला होने तक गर्म करेंगे। अब हम दूध गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी इलायची को कूट लेते हैं। दूध में उबाला आ गया है, अब उबलते हुए दूध में हम अपनी इलायची को डाल देंगे और केसर को डाल देंगे। थोड़े से धागे हम बचा लेंगे, केसर का पानी डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे इसको हिला करके, और इस दूध को हम आधा घंटा ढक करके छोड़ देंगे। अब हम अपनी चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप पानी डालेंगे, इसको उबलने देंगे। पानी में उबाला आ गया है, हम अब अपनी चाय पत्ती डाल करके इसको जितनी कड़क हमें करनी है उतनी हम इसको उबाल करके कड़क कर लेंगे। चाय पत्ती अच्छे से उबल चुकी है, इसमें हम अब अपना केसर वाला दूध डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 उबाला ले लेंगे। चाय में हमारे अच्छे से उबाला आ गया है, अब हम चाय हमारी इतनी कड़क हमको चाहिए, अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। शक्कर का सिर्फ हम एक ही उबाला लेंगे, शक्कर डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें चाय को नहीं उबालनी चाहिए। और एक उबाला आने पर हम अपना गैस बंद कर देंगे। अब हमारी चाय तैयार हो गई है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। हमारी चाय तैयार है, अब इसको हम इसमें सर्व करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ऊपर से डालें और कॉफ़ी की तरह इस पर थोड़ा सा झाग आने दें। इस चाय को सर्व करने का यही तरीका है, एक जैसे इसमें आपने चाय डाल दी, अब इस पर आप सैफ्रन के केसर के जो हमने धागे बचाए थे उनको हम डाल देंगे। ये हमारी चाय तैयार है। इसमें एक दूसरे तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं, वो मैं बता रही हूँ। केसर वाली चाय पे हम थोड़ी सी दूध की मलाई रख देंगे और उसके ऊपर हम केसर का ये पत्ते रख करके सर्व करेंगे, तो ये वाली चाय हमारी केसर गोल्डन चाय हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास 2 तैयार हो जाएगी चाय, एक गोल्डन वाली और एक सिंपल केसर इलायची चाय। आपको जो टेस्ट पसंद आए वो आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें।